माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और सदन में भी 2018 में इन्होंने कहा था कि हम 3C के फार्मूले पर चलते हैं। पहला सी क्राइम अपराध, दूसरा करप्शन और तीसरा कास्ट कम्युनिज्म। आज ये तीनों सी कहाँ गया? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? आप ही मुख्यमंत्री हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को FIR होने पर इस्तीफा लिया था। आप ही हैं जो माननीय आरएन सिंह से इस्तीफा लिया था। आप ही हैं मंजू वर्मा से इस्तीफा लिया था और आप ही हैं मेवालाल चौधरी से और अभी हाल फिलहाल राजद के कार्तिकेय सिंह से लिया था। क्या हो गया? ये FIR नहीं है, ये चार्जशीटेड है। और चार्जशीटेड में आपको जानकारी हो कि देश का सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, का फैसला है कि चार्जशीटेड व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मंत्री के रूप में चार्जशीटेड व्यक्ति को नहीं शामिल करने का निर्देश दिया है। ये संविधान मानने वाले लोग अगर जो इसको नहीं बर्खास्त करते हैं तो ऐसे लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पीठ का निर्णय है। लोढ़ा कमेटी में ये फैसला आया है बचाने के लिए, एक भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री, चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोग को ये मुख्यमंत्री बचा रहे हैं। अपराध भ्रष्टाचार के मामले में सिद्धांत से समझौता कर लिए हैं। जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से जंगल राज लाने वाले को ले आए और उसको जनता राज कह के गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शर्म करो, मुख्यमंत्री शर्म करो, मुख्यमंत्री बर्खास्त करो। मुख्यमंत्री को विवेक तब जरूरत पड़ता। माननीय न्यायालय का 5 जजों के पीठ का निर्णय है, संविधान में विश्वास है और संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए और मजबूरी है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को और नए जनादेश के लिए चलना चाहिए। मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो। भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार बिहार के विकास को कभी नहीं होने देगा। विकास में लूट और अपराध की छूट, ये व्यवस्था नहीं चलने देंगे। ठीक है सर, ठीक है, नहीं चलने दीजिएगा।